सम उत्पाद वक्र का जो अवधारणा थी ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर निर्धारित थी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन दीर्घकाल में हमने ये देखा कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए दीर्घकालीन अवधारणाओं को लेकर के अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसा उत्पाद वक्र की कल्पना की, सम उत्पाद, जिसके सभी बिंदुओं पर उत्पादन समान रहे, इसलिए इसका नाम था सम उत्पाद वक्र। ऐसा वक्र या उत्पादन के संसाधनों का ऐसा संयोग या ऐसा तकनीकी संबंध जिसके किसी भी बिंदु पर आप रहिए, सम का मतलब इक्वल, समान, उत्पाद वक्र अर्थात दीर्घकालीन उत्पादन फलन में आप ये देखेंगे कि जब हम उत्पादन के साधनों के किसी भी कॉम्बिनेशन के किसी भी बिंदु पर रहते हैं तो हमें समान उत्पादन प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम है सम उत्पाद वक्र, जिसे इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट कर्व के नाम से जाना जाता है, यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो IPC मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखता हूं, और उत्पादन की मात्रा को दिखाने के लिए मैं इसको 100, IPC 200, IPC 300 नोट करता हूं। तो सम उत्पाद वक्र की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय, याद रखना, पहला अर्थशास्त्री फ्रिस को जाता है, पहला अर्थशास्त्री फ्रिस स्नाइडर के नाम से जाने जाते हैं। स्नाइडर, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि सम उत्पाद वक्र को किसने डेवलप किया, फ्रिस स्नाइडर ने डेवलप किया। उसके साथ ही साथ हिक्स ने इसे, याद रखना, साइंटिफिक डेवलपमेंट किया। एक तो होता नॉर्मल डेवलपमेंट जिसको अप्लाइड लाइफ में प्रयोग नहीं करते, दूसरा साइंटिफिक, और थर्ड हमारे पास होता है क्या कहते हैं, बोल्डिंग ने इसे डेवलप किया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता, एक जैसे तीन अर्थशास्त्री का मैंने नाम बताया, फ्रिक्स, स्नाइडर, हिक्स, वोल्डिज, और एक चौथा नाम दे दिया जाएगा और उस नाम को कह दिया जाएगा निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम सम उत्पाद वक्र के साथ नहीं जुड़ा, यानी सम उत्पाद वक्र में उनका योगदान नहीं। ये तीन नाम तो रहेंगे, चौथा नाम नहीं, एक और बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए प्रोफेसर मार्शल, तो आपको उसका आंसर टिक करना होगा। तो आप ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखिएगा, ये थ्री अर्थशास्त्री थे, फ्रिक्स, स्नाइडर, हिक्स और वोल्डिन, इन्होंने सम उत्पाद वक्र की अवधारणा को डेवलप किया। इन्होंने बताया कि जब एक निश्चित संसाधनों के संयोग को हम लेते हैं, क्या है, निश्चित साधनों, निश्चित साधनों के संयोग को लेते हैं तो हमें क्या होता है, सम उत्पाद वक्र प्राप्त होता है। तो निश्चित साधन के अंतर्गत हमने दो साधन यहां पर लिया है, श्रम तथा पूंजी लिया, और श्रम तथा पूंजी लेने के बाद दो हमने साधन ले ही लिया, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हम ज्यादा साधन नहीं ले सकते, इसलिए दीर्घकाल के अंतर्गत मान लिए हमारे पास कि दीर्घकाल में हमारे पास उत्पादन के दो साधन है, पूंजी तथा श्रम, और हमने मान लिया कि दोनों संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। जब दोनों संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है तो इससे क्या होता है, उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी करते हैं। तो सम उत्पाद वक्र ये बताता है कि जब हम सम कॉम्बिनेशन लेते हैं पूंजी तथा श्रम का, तो इसके निश्चित कॉम्बिनेशन से या कॉम्बिनेशन से हमें उत्पादन कितना प्राप्त होता है उसको हम लोग सम उत्पाद वक्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 100 पेन का उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, 100 पेन। आप ये ऑप्शन पे विचार करिए, क्या केवल पूंजी से 100 पेन बनाया जा सकता है, श्रम ना लगाया जाए, ऐसा हो सकता है, केवल पूंजी लगे और श्रम ना लगे, ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, मशीन चलाने के लिए कम से कम एक लेबर तो होना ही चाहिए, कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए आपको पूंजी और श्रम, ये नहीं हो सकता कि श्रम को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दे पूंजी। कहा गया है कि रोबोट प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन रोबोट को चलाने वाला तो कोई श्रम होगा, तो इन्होंने कहा कि कभी भी एक साधन की मात्रा अर्थात लेबर जीरो नहीं हो सकता पूंजी के साथ, पहला संयोग।
दूसरा संयोग ये है कि क्या आप क्या करते हैं, लेबर ही सारा लगा दे और पूंजी ना लगाए, सारा साधन लेबर लगा दे और पूंजी ना लगाए, क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो आप कहेंगे कि ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि पेन बनाने के लिए एक मशीन तो कम से कम होनी चाहिए, एक मशीन तो होनी चाहिए जो कच्चे मटेरियल को प्रोसेस कर सके और उनमें आप लेबर लगा दीजिए, ठीक है। तो जिन देशों के पास पूंजी अधिक होती है वो पूंजी प्रधान तकनीक अधिक पूंजी के साथ कम श्रमिक को लगाते हैं। जैसे अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका पूंजी प्रधान तकनीक को चुन लेगा जहां पर पूंजी अधिक है, और वही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भारत क्या करेगा, श्रम प्रधान तकनीक को चुन लेगा, भारत में श्रम देगा, ठीक है। वही तीसरा कंट्री वो होगा, वो क्या करेगा, जिनके पास पूंजी और श्रम दोनों है वो क्या करेंगे, मिश्रित या तटस्थ तकनीक का चुनाव कर लेंगे, तटस्थ तकनीक का चुनाव कर लेंगे। तो इस प्रकार सौ पेन बनाने के श्रम तथा पूंजी के वो संयोग जो समान उत्पादन दे, कितना उत्पादन दे, 100 उत्पादन दे, मान लीजिए एक लेबर और 10 पूंजी का एक कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूं, ये ए ऑप्शन है, ये ए कॉम्बिनेशन है। जिस देश में पूंजी ज्यादा, जैसे अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है और वहां श्रम कम है, तो अमेरिका ए ऑप्शन पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि वो पूंजी प्रधान तकनीक है, वहां श्रमिक कम है और पूंजी अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप सौ उत्पन्न का उत्पादन कर लेगा। वही भारत कॉम्बिनेशन ढूंढेगा कि 10 लेबर के साथ एक पूंजी वाला कोई कॉम्बिनेशन हो, अगर इस कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन को लगाने के परिणाम स्वरूप वो सौ पेन का उत्पादन कर लेता है तो वो श्रम प्रधान तकनीक अर्थात बी कॉम्बिनेशन को चुनना पसंद करेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसा है, मान लीजिए जिसके पास श्रम तथा पूंजी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर मात्रा में है, तो वो क्या करेगा, 5 लेबर के साथ 5 पूंजी वाला कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन को चुनाव करेगा। तो इस प्रकार सम उत्पाद वक्र की अवधारणा वास्तव में ए बी और सी संयोगों को इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को उपलब्ध होने के परिणाम स्वरूप हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि हर देश सौ पेन उत्पादन करने की विधि, जैसे अमेरिका ने ज्यादा पूंजी के साथ कम श्रमिक लगाया, भारत ने ज्यादा श्रम के साथ कम पूंजी लगाया, तथा एक ऐसा देश है जिसने दोनों की मात्रा को बराबर करके लगाया, ये तीन कॉम्बिनेशन है। देखो तीनों कॉम्बिनेशन अलग अलग है लेकिन उत्पादन तीनों का समान है। तो यहां से हमारे पास डिफिनीशन आ जाती है कि सम उत्पाद वक्र वो वक्र होता है जो दो साधनों के उन संयोगों को दर्शाता है, दैट इज ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, जिससे हमें समान उत्पादन प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमें समान उत्पादन प्राप्त होने की यह एक प्रकार की प्रविधि या तकनीक को प्रदान करता है। क्लियर है? सम उत्पाद वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व, उत्पादन के दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनके प्रयोग से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। ये इक्वल उत्पादन प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहेंगे, आईसो प्रोडक्ट कर्व, आईपीसी के नाम से जानेंगे। यहाँ पे मैंने पेन की संख्या 100 ली है इसलिए मैंने 100 का प्रयोग किया, ठीक है। तो सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन संभावित संयोग, संयोग नंबर ए, संयोग नंबर बी, संयोग नंबर सी, संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनके प्रयोग से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त हो, यानी 100 उत्पादन हो। तो हमने कहा कि अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है तो वो 10 पूंजी के साथ एक लेबर का प्रयोग करने वाला ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद करेगी, कहेगी कि मुझे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें मैं पूंजी ज्यादा लगाऊं, श्रम कम लगाऊं, क्योंकि मेरे पास श्रम बड़ा महंगा, वहां पर वेतन 5-6 लाख रुपए पर मंथ है, तो श्रम की अपेक्षा मैं पूंजी अधिक लगा दूं ताकि उत्पादन मुझे 100 प्राप्त हो सके। वही दूसरा कंट्री आपके पास सी कंट्री है, कोई सी कंट्री कहता मेरे यहाँ लेबर बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत सस्ता, बेरोजगार है, वो 200 रुपए में काम करने को रेडी है, तो वो कॉम्बिनेशन ढूंढता एक पूंजी के साथ 10 श्रमिक वाला,
एक पूंजी के साथ 10 श्रमिक वाला, क्योंकि यहाँ पर श्रम सस्ता है तथा पूंजी महंगी है, तो ये कॉम्बिनेशन उसे इस कॉम्बिनेशन के द्वारा वो सब उत्पादन करना चाहता है। तो ये पहला संयोग, ये दूसरा संयोग। और कोई तीसरा कंट्री है वो कहता कि मेरे पास दोनों चीज है, ना तो दोनों चीज बहुत ज्यादा है ना दोनों चीज बहुत कम है, तो 5 पूंजी के साथ 5 श्रमिक का प्रयोग करता और कोई कॉम्बिनेशन भी बनता जिससे उत्पादन हमें 100 प्राप्त होता है। तो देखिए, दो साधन श्रम तथा पूंजी का कॉम्बिनेशन है। श्रम तथा पूंजी के कॉम्बिनेशन के द्वारा हमें यदि समान उत्पादन प्राप्त हो जाए, हम एक विधि का ये तकनीक या प्रविधि या विधि कहा जाता है, तकनीक क्या कहा जाता है इसको बहुत अच्छी भाषा में करिए, कॉम्बिनेशन क्या टेक्निकल कॉम्बिनेशन इसका नाम दिया जाता है, टेक्निकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, ठीक है, टेक्निकल कॉम्बिनेशन तकनीकी, वास्तव में तकनीकी संयोग। ए तकनीकी संयोग कौन सा है आपका, पूंजी प्रधान। सी तकनीकी संयोग कौन सा है आपका, श्रम प्रधान। और बी तकनीकी संबंध कौन सा है, दोनों का मिश्रित या तटस्थ। आइए इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन या ए कॉम्बिनेशन, इसको ए कॉम्बिनेशन का नाम देना चाहिए। ए कॉम्बिनेशन मेरे पास है जिसमें एक लेबर के साथ 15 पूंजी लगाई जाए तो उत्पादन कितना होगा, 100, ठीक है। पहला ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर ए कॉम्बिनेशन पे यदि हम रहना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एक श्रम को दिखाता है तथा 15 पूंजी को दिखाता जिससे मुझे उत्पादन 100 प्राप्त हो जाएगा। वही अमेरिका वाली कंडीशन जहां पे श्रम महंगा है पूंजी सस्ती है, तो अमेरिका इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पसंद करेगा। लेकिन जैसे आपकी श्रम की मात्रा बढ़ा करके 2 कर दिए, पूंजी की मात्रा को घटा करके आपको 8 करना पड़ा ताकि उत्पादन आपका 100 बना रहे। यदि श्रम की मात्रा देखिए आपने बढ़ाया है तो उत्पादन उतना ही प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा का आपको घटाना पड़ेगा, तभी उत्पादन आपका 100 बना रहेगा। नहीं तो एक श्रम के बजाय आपने दुगना श्रम कर दिया तो ऑटोमेटिक उत्पादन क्या हो जाएगा, 150 या 200 हो जाएगा। तो आपने जब श्रम की मात्रा को बढ़ाया है तो पूंजी की मात्रा को आपको घटाना पड़ेगा, तभी आपकी उत्पादन की मात्रा 100 बनी रहेगी। लेकिन जब श्रम की मात्रा को बढ़ा करके 3 हमने कर दिया, यानी कि आपका बी कॉम्बिनेशन है, ये आपका सी कॉम्बिनेशन है, ये आपका डी कॉम्बिनेशन है, ये आपका ई कॉम्बिनेशन। जब मैं सी कॉम्बिनेशन पर जाता हूं तो जहां पर 3 श्रमिक के साथ 5 पूंजी कार्य करती है, ये आपका सी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और जब मैं श्रम की मात्रा को बढ़ा करके 4 श्रमिक कर देता हूं और उसके साथ 3 पूंजी का प्रयोग करता हूं, और उसी के बाद जब मैं श्रम की मात्रा 5 कर देता हूं तो पूंजी की मात्रा घटा करके 2 कर देता हूं। इस प्रकार प्रथम कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, श्रम तथा पूंजी का कॉम्बिनेशन है जिससे मुझे 100 उत्पादन प्राप्त होता। जैसे जैसे श्रम की मात्रा मैं बढ़ाता चला गया, लेबर की मात्रा को मैं बढ़ाता चला गया, मैंने पूंजी की मात्रा को घटानी पड़ी ताकि उत्पादन की मात्रा को समान यानी 100 ही बनी रहे। तो इस प्रकार मुझे संयोग ए प्राप्त हुआ जिसमें ज्यादा पूंजी तथा कम श्रमिक है, तथा बी संयोग जिसमें ज्यादा श्रम की मात्रा बढ़ती जा रही है पूंजी की मात्रा घटती जा रही है। तो और एक चीज है, यहाँ पर भी उत्पादन का नियम लागू होगा। उत्पादन का नियम ये कहता है कि जो साधन आपके पास अधिक होगा, जो साधन आपके पास अधिक होगा, अधिक होगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो देखिए यहां पर पूंजी की मात्रा अधिक है, जैसे मैंने क्या किया, यहां पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम है, जब मैं श्रम की मात्रा बढ़ाता हूं तो ये अधिक पूंजी को प्रतिस्थापित कर रहा है। कितनी पूंजी को प्रतिस्थापित किया, 7। जब एक श्रमिक बढ़ाया तो मुझे 7 पूंजी हटानी पड़ी, ठीक है। लेकिन जब मैंने फिर एक लेबर बढ़ाया तो अब मुझे मात्र 3 पूंजी हटानी पड़ी। क्यों, क्योंकि पूंजी की मात्रा लगातार बढ़ती गई, लगातार घटती गई तो उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ती गई। तो मैंने अभी क्या बताया उत्पादन का नियम, कि जो साधन अधिक होगा, जो साधन अधिक होगा, पूंजी यहां पर अधिक है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के
कम होगी। लेकिन जो साधन आपके पास कम होगा, जो साधन कम होगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यहाँ लेबर कम है इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अधिक होगी। तो जहां पर पहला लेबर ने कितना सब्स्टिट्यूट किया, 7 श्रमिकों को, फिर एक लेबर ने हमने पुनः बढ़ाया तो कितने सब्स्टिट्यूट किया, 3 को, हम 5 की कॉम्बिनेशन पे आ गए। फिर मैंने एक लेबर और बढ़ाया तो अब मुझे 2 ही पूंजी को मैं सब्स्टिट्यूट कर पाया, हटा पाया। और जब मैंने पुनः एक लेबर को क्या किया और बढ़ाया तो अब मैंने क्या किया, एक ही पूंजी, देखिए एक लेबर एक पूंजी को ही सब्स्टिट्यूट कर पा रही है। तो इस प्रकार जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। पहले कॉम्बिनेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, मैं डैश कर देता हूं क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, इसलिए डैश है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पता करने के लिए मुझे दूसरे कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। जब मैं दूसरे कॉम्बिनेशन में जाता हूं, एक श्रमिक को बढ़ाता हूं तो 7 पूंजी को हटाना पड़ता, तो यहां पर 1:7 है अगर हम कह सकते हैं। तो इसको और टेक्निकल कर दें, इसको टेक्निकल हम ये कर सकते हैं, एक श्रम के साथ 7 पूंजी का हमने डिस्प्लेसमेंट किया, एक श्रमिक ने यहां पर 7 ले पूंजी को हटाया। दूसरे संयोग में पुनः जब मैंने एक श्रमिक बढ़ाया तो यहां पर एक श्रमिक क्या करता है, एक लेबर 3 पूंजी को डिस्प्लेस्ड करता है, हटा देता है। उसी प्रकार पुनः एक लेबर अब 2 पूंजी को हटा देता है, उसी प्रकार पुनः एक लेबर 1 पूंजी को हटा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लगातार घटता चला गया। पहले 7 को हमने हटाया, फिर 3 पूंजी को हटाया, फिर 2 पूंजी को हटाया, फिर 1 पूंजी को हटाया। इसलिए कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर श्रम तथा पूंजी के संदर्भ में जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे लगातार कम होता चला जाएगा। इस प्रकार हमें कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई प्राप्त होंगे जिससे एक उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त। यहां पर एक ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखिए पहले एल लिखा है फिर बाद में के लिखा है। ध्यान से यहां पे आप देखिएगा इस पॉइंट में सबसे ज्यादा गलतियां हम लोग करते हैं। याद रखना जो पहले नंबर लिखा रहेगा, सॉरी नंबर कहते हैं, जो लेटर पहला लिखा रहेगा वो लेटर हम बढ़ा रहे हैं, उस साधन को हम बढ़ाएंगे तथा दूसरा साधन घटाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, MRTSLK। तो जब पहला साधन जो लिखा होता है उसको हम बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं अपॉन पार्ट में, और जो साधन को हम हटाते हैं उसको लिखते हैं ऊपर। तो आपका ये फार्मूला कुछ ऐसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, MRTSLK इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। और एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए पता है क्या कर दिया जाता है, वहां पर लेबर की जगह कैपिटल लिख दिया जाता है और कैपिटल की जगह लेबर लिख दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि पूंजी की मात्रा लगातार बढ़ाई जाए तो श्रम की मात्रा घटेगी, आप कहोगे यस घटेगी क्योंकि हमारे पास उत्पादन समान प्राप्त होना। तो बताइए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला क्या होगा, तो आप बता देना कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन KL, अब देखिए K बढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं K बढ़ा रहे हैं और L घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज हमने कहा बढ़ाते हैं जो घटाते हैं तो यहाँ पे अब घट रहा है तो डेल्टा K नीचे आ जाएगा और डेल्टा L ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी अगर आप सिविल सर्विस देते हो, IAS का एग्जाम देते हो, इस प्रकार का टेक्निकल क्वेश्चन परेशान कर देगा। तो आप रटा रटाए में हरदम याद रखना कि पहले जो साधन लिखा जाएगा इसमें ये जो फार्मूला में पहला साधन L लिखा गया और फिर मैंने लिखा है K, यानी L साधन को बढ़ा रहा हूं और K साधन को घटा रहा हूं। ये आप बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आप याद रखना। नाउ अब मैंने क्या किया, इसमें कॉम्बिनेशन को आप एक बार चेक कर लीजिए। कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया,
श्रम की मात्रा को मैंने कंटिन्यू बढ़ाया है, श्रम की मात्रा को देखिए मैंने ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, ए यानी श्रमिक की मात्रा को मैंने बढ़ाया, पूंजी की मात्रा को कंटिन्यू घटाया। तो पहला ए कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि एक श्रम यानी वन लेबर प्लस 15 कैपिटल को यदि लगाएंगे तो उत्पादन कितना मिलेगा मुझे 100। लेकिन जब मैं दो श्रमिक लगाता हूं तो पूंजी की मात्रा समान वही 100 उत्पादन प्राप्त करने के लिए कम करना पड़ेगा, जो यहां पर हो जाता है 8 पूंजी और मुझे उत्पादन कितना मिलता है 100। तीसरा कॉम्बिनेशन बताता है कि यहां पर तीन लेबर प्लस 5 पूंजी को यदि लगाता हूं तो उत्पादन कितना प्राप्त होता है 100। और फिर मैं 4 लेबर प्लस 3 कैपिटल को लगाता हूं तो उत्पादन कितना प्राप्त होता है 100। फिर मैं 5 लेबर प्लस 2 कैपिटल को लगाता हूं तो उत्पादन कितना प्राप्त होता है 100। तो इस प्रकार मेरे पास ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। अब देश क्या करता, कोई भी देश वो कॉम्बिनेशन चुनेगा जिसके पास उसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा। अमेरिका आता डायरेक्ट कहता मुझे ए कॉम्बिनेशन में मैं काम करना पसंद करूंगा, क्यों, मेरे पास पूंजी ज्यादा है श्रम कम है। वही भारत आता ई कॉम्बिनेशन को चुनेगा और वो कहेगा मेरे पास लेबर ज्यादा है और पूंजी कम है, मैं इस मुझे ये कॉम्बिनेशन दे दो, क्योंकि भारत को पता है कि मैं इसके इस तरीके से भी 100 उत्पादन करूंगा और अमेरिका को पता है कि मैं इस तरह भी 100 का उत्पादन करूंगा। वही कोई ऐसा देश आता है न्यूट्रल है, जैसे इराक, ईरान आपका आता है, उस पर दोनों चीज है, तो वो क्या करेगा, वो तीन लेबर तथा 3-5 पूंजी वाला कॉम्बिनेशन का चुनाव करेगा और कहेगा कि मैं ये कॉम्बिनेशन चुनूंगा। तो चाहे जो कॉम्बिनेशन, टेक्निकल कॉम्बिनेशन को आप चुनिए, वो टेक्निकल कॉम्बिनेशन आपको समान उत्पादन देंगे। तो यदि इन संयोगों को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, पहला संयोग, दूसरा संयोग और इनको, इनके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम सम उत्पाद वक्र रेखा कहेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला मेरा है कितना, सबसे पहले है नीचे मैंने ले लिया लेबर, आधार अक्ष पर मैंने क्या लिया लेबर ले लिया, लंब अक्ष पर मैंने क्या लिया कैपिटल, कैपिटल मैंने लंब अक्ष पर ले लिया। अब मैंने क्या किया, पहला संयोग आप देखिएगा, फर्स्ट संयोग है एक लेबर, आप एक लेबर लगाते हो और आप इसके साथ कितनी पूंजी लगाते हो, आपको याद है पूंजी कितनी लगाए 15 पूंजी लगाए। जब एक लेबर और 15 पूंजी हम लगाते हैं तो हमें उत्पादन कहां पर, हम संयोग आते हैं हमारा टेक्निकल कॉम्बिनेशन ए प्राप्त होता है, यही था ना, एक लेबर प्लस 15 पूंजी के साथ हमारा टेक्निकल कॉम्बिनेशन जो आपका हुआ वो ए। जब मैंने श्रम की मात्रा बढ़ाई, श्रम की मात्रा मैंने बढ़ाई और पूंजी की मात्रा मैंने घटाई, तो मैंने लेबर की मात्रा 2 लेबर कर दिया, पूंजी अब यहां पर घट करके कितनी आ गई 8 पूंजी हो गई, तो मेरा नया कॉम्बिनेशन बी हो जाता है, दिस इज माई बी कॉम्बिनेशन, जहां पर 2 लेबर प्लस 8 पूंजी है और मुझे 100 का ही उत्पादन प्राप्त। उसी प्रकार जब मैंने श्रम की मात्रा को बढ़ाकर 3 लेबर कर दिया और पूंजी की मात्रा को घटा करके 5 पूंजी कर दिया, तो मैं न्यू कॉम्बिनेशन इज द सी कॉम्बिनेशन, 3 लेबर के साथ 5 पूंजी, दैट इज 100 का कॉम्बिनेशन, क्लियर है। तो इस प्रकार माई न्यू कॉम्बिनेशन सी हो जाता, जहां पर उत्पादन मुझे फिर से समान 100 प्राप्त होता। उसी प्रकार जब मैंने श्रम की मात्रा को बढ़ा करके 4 एल कर दिया और पूंजी की मात्रा को घटा करके मैंने क्या कर दिया 3 के कर दिया, तो मेरा न्यू कॉम्बिनेशन हो जाता है डी कॉम्बिनेशन। और इस डी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं डी इज इक्वल टू 4 लेबर प्लस आपके पास 3 पूंजी, 100 का उत्पादन प्राप्त हुआ। और लास्ट मेरा कॉम्बिनेशन है ई कॉम्बिनेशन, जिसमें 5 लेबर, ई कॉम्बिनेशन मेरा प्राप्त होता 5 लेबर के साथ 2 पूंजी, आपका 2 पूंजी प्राप्त होता या यहाँ पर 2 पूंजी हो जाती है और मुझे 100 का उत्पादन प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉम्बिनेशन। तो आप कॉम्बिनेशन ए को कॉम्बिनेशन बी से मिला दीजिए, बी को सी से मिला दीजिए, सी को डी से मिला दीजिए, डी को ई से मिला दीजिए, इन बिंदुओं के बिंदु पथ को मिलाने के परिणाम स्वरूप जो हमको रेखा प्राप्त होगी वही आईसो प्रोडक्ट कर्व होगी, वो 100 के उत्पादन को हर एक संयोग पर दर्शाएगी। ये आप
इस प्रकार हमने संयोग देखा कि एक्स कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन के मिलाने वाले बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, हमने इसे आइसो प्रोडक्ट कर्व कहा, जिसको जो हमें 100 हर जगह पर रिपोर्ट कर रहा बता रहा है। अर्थात अगर मुझे कोई ऐसा वक्र प्राप्त होता है आइसो प्रोडक्ट कर्व, तो मैं समझ जाऊंगा ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन है तथा इसके सभी बिंदुओं पर उत्पादन समान होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला हमारे पास यहाँ पर एक श्रम को मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया, जो एक श्रमिक को मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पर किया, मात्र एक लेबर बढ़ाया, यानी डेल्टा एल लेबर को मैंने जब बढ़ाया तो डेल्टा के मुझे पूंजी हटानी पड़ी, तो मेरा क्या हुआ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, याद रखना तटस्था वक्र में आप यूज करते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तटस्था वक्र जब पढ़ते थे तो वहां पर एम आर एस एक्स वाई आपने पढ़ा होगा ना, वहां पे देखिए x पहले था, x की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, y की मात्रा हम घटा रहे हैं, इसलिए आपको x y आपने पढ़ा, अगर आपको एम आर एस y x दे दिया जाए तो समझ जाना आधार अक्ष पे आपको y वस्तु रखनी है तथा लंब अक्ष पे आपको x वस्तु रखनी है। आप अब यहाँ पर आप x वस्तु की मात्रा बढ़ाओगे तथा y वस्तु की मात्रा बढ़ाओगे तथा x वस्तु की मात्रा घटाओगे, तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको एल के दिया गया है। एल के का मतलब होता है कि आपके द्वारा जो साधन है श्रम बढ़ाया जा रहा है तथा पूंजी को घटाया जा रहा है, तो इस प्रकार आपका एक फार्मूला होगा, तो एम आर टी एस एल के इक्वल टू डेल्टा के, पूंजी में जो चेंजेस हुआ वो डेल्टा के, तो डेल्टा एल में परिवर्तन पहले होता है उसके परिणाम स्वरूप डेल्टा के में परिवर्तन होता है। जब आप श्रम की मात्रा डेल्टा एल का मान बढ़ाते हो तो डेल्टा के का मान कम होता है ना, डेल्टा के का मान कम होता है। तो देखिए श्रम की मात्रा मैंने समान हर जगह बढ़ाई, एक एक श्रम बढ़ाया, मैंने एक एक श्रम बढ़ाया तो पूंजी प्रारंभ में ज्यादा कम हुई, हुई कम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक श्रमिक और बढ़ाया, जब एक श्रमिक और बढ़ाया डेल्टा एल, तो मैंने देखिए पूंजी की मात्रा कम तो हुई बट पहले से जो पहले 7 हमने यूनिट घटाई थी अब वो मात्र 3 यूनिट यहाँ पर कम हुई, और इसी प्रकार फिर मैंने श्रम की मात्रा समान बढ़ाई तो पूंजी की मात्रा और कम हुई, जब मैंने श्रम की मात्रा और बढ़ाई तो पूंजी की मात्रा और कम हुई, इस प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यू डिक्लाइन, ये आप याद रखिएगा, क्यों होता है, ताकि उत्पादन की मात्रा समान हो। तो इस प्रकार आइसो प्रोडक्ट कर्व दैट हैव द निगेटिव स्लोप, ये ऋणात्मक ढाल का होता है और इसके सभी बिंदु एक समान उत्पादन को प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई आइसो प्रोडक्ट कर्व इससे ऊपर है तो मतलब वो ज्यादा संसाधनों को दिखा रहा, श्रम तथा पूंजी की मात्रा को अधिक दिखा रहा, तो ये अधिक उत्पादन को भी दर्शाएगा। अगर हम इसके ऊपर कोई आइसो प्रोडक्ट कर्व है तो याद रखना श्रम तथा, मान लीजिए हम यहाँ पर आए तो देखिए आप यहाँ श्रम तथा पूंजी की मात्रा भी हाई हो जाएगी, जब श्रम तथा पूंजी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, और कोई आइसो प्रोडक्ट कर्व अगर ऐसे है तो मतलब ये और अधिक उत्पादन को दर्शाता है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जैसे जैसे हम ऊंचे समुत्पाद वक्र पर चले जाएंगे वैसे वैसे ऊंचा समुत्पाद वक्र हमें ज्यादा उत्पादन को दर्शाएगा और एक उत्पादक बहुत अधिक खुश हो जाएगा। प्रावधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रावधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर अभी हमने डिस्कस किया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के होता है, जो ये बताता प्रारंभ में जो हम एल लिखते हैं ये है ऐसा साधन जिसको हम बढ़ा रहे होते हैं, इसको हम बढ़ा रहे होते हैं, और दूसरा साधन जो लिखा जाता वो साधन होता है जिसको हम घटा रहे होते हैं। जो साधन बढ़ाया जाता उसको हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं अपॉन में, और जो साधन हम लोग बढ़ाते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं कितना डेल्टा के ऊपर की ओर। तो इस प्रकार एक मेरा फार्मूला बन जाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, पढ़ा जाता है डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, लेकिन वास्तव में जो इकोनॉमी में रिएक्ट करता है डेल्टा एल में परिवर्तन पहले होता है जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा के में परिवर्तन होता है। तो आपका रीडिंग अलग होगा, रीडिंग मेथड बट टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन आपका अलग होगा, ये याद रखना। अगर आपको
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल लिखा जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपको पहला संसाधन क्या है, के यानी बढ़ जा रहा है, डेल्टा के यानी पूंजी आप बढ़ा रहे हो जिससे श्रम हटा रहे हो, यानी पूंजी की मात्रा आप बढ़ा रहे हो, श्रम की मात्रा हटा रहे हो, तो इस प्रकार आप इसको ऐसे कुछ लिखोगे। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल लिखा है, ये एग्जाम में आप देख लेना कि एल के लिखा, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बड़ा परेशान करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो, हमने ये फिर से आईसो प्रोडक्ट कर्व खींचा जो अभी हमने देखा था 100 वाला, इसमें हमने ए कॉम्बिनेशन पर थे, ए कॉम्बिनेशन पर हमने देखा कि यहाँ पर 15 पूंजी के साथ एक लेबर था, जब मैंने लेबर की मात्रा को बढ़ाया तथा पूंजी की मात्रा को घटाया तो मेरा कॉम्बिनेशन बी आया, और वास्तव में इतनी पूंजी मेरे पास डेल्टा के पूंजी हटाई गई, किसके परिणाम स्वरूप, डेल्टा ए के परिणाम, एल के परिणाम स्वरूप। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मेरा क्या होगा, एल के इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। देखो लिखता मैं भी वैसे ही हूँ, लेकिन रिलेशनशिप आपका क्या होगा, डेल्टा एन का मान पहले आया है और डेल्टा के का मान बाद में आया है। प्रोफेसर जे के मेहता इसी पे बड़े नाराज रहते थे कि लोग इकोनॉमिक्स को लिखता ही कुछ और है और वास्तव में रिएक्शन कुछ और करता है। अगर आप इकोनॉमिक्स कभी लिखो तो अगर इसको आप बोलो भी वैसे, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के इक्वल टू डेल्टा एल और डेल्टा के, तो ये क्या होता है, श्रम तथा पूंजी का रेशियो, अगर आप ऐसे बोलो तो शायद, या लिखो तो शायद मच बेटर आपकी टेक्निक मानी जाएगी और वास्तव में आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट माने जाओगे। लेकिन लोग बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, और बुक में हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है बुक में, आपको तो ये आजकल मॉडर्न एज है, इसमें मैं लिख कर दिखा देता हूँ, लेकिन बुक में जब प्रिंटिंग होता तो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ता, तो आप यही नहीं बता सकते हो कि कौन सा पहले डेल्टा एल लिखा गया कि डेल्टा के लिखा गया, ठीक है। इसलिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ती है, कोई टीचिंग मुझे कर दे, मुझे गाइड कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास बुक था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वीडियो एनालिसिस होता है इसने काफी इस चीज को सॉल्व किया। नाउ अब याद रखना, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के लिए एक सबसे बड़ी चीज आपको चाहिए क्या, देखिए आईसो प्रोडक्ट कर यानी जो उसका उत्पादन है वो तो हमको प्राप्त हो गया, अब सम लागत रेखा अगर मिल जाए तो एक उत्पादक संतुलन में वहां पर होगा जहां पर निश्चित सम लागत रेखा के माध्यम से वो उत्पादन को प्राप्त कर ले। यही तो कहे कि उत्पादक संतुलन में वहां पर होता है जहां पर उसका लाभ अधिकतम होता है या लागत न्यूनतम होता है ना, आपका टारगेट तो यही होता कि आप उत्पादन अधिकतम कर लो दिए हुए लागत से, या तो अपनी लागत को न्यूनतम कर लो। तो इस प्रकार एक सम लागत रेखा का ज्ञान होना अनिवार्य है, जो हमने कीमत रेखा उपभोक्ता के चैप्टर में पढ़ा था उसी प्रकार प्रोड्यूसर चैप्टर में वही सेम डिफिनीशन हो जाती है, बस संसाधनों के संदर्भ में हो जाती है, और संसाधनों के संदर्भ में होने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर वो सम लागत रेखा के रूप में जानी जाती है। तो याद रखिएगा कि सम लागत रेखा वो रेखा होती है कि आपके पास, मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, संसाधन चाहिए। संसाधन चाहिए का तात्पर्य क्या होता है कि मान लीजिए आपके फादर ने 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए दे दिए कि चाहिए इससे बिजनेस आप स्टार्ट करिए, तो आप इस पैसे से देखोगे कि मैं उत्पादन के दो, हमने दो साधन लिया अपनी सुविधा के लिए, दोनों संसाधनों को मैं कितना खरीद सकता हूँ। मान लीजिए मार्केट में, अब मैं यहाँ पे बहुत इजी गोइंग कर देता हूँ, मान लीजिए मार्केट में 1 रुपए का एक लेबर उपलब्ध है, सपोज दैट, हम लोग बड़े पुराने जमाने में आ जाते हैं, 1 रुपए का एक लेबर, यानी एक लेबर अपना मेहनताना कितना ले रहा है, 1 रुपए ले रहा है, और 2 रुपए मेहनताना ले रही है पूंजी, यानी एक पूंजी जो एक कैपिटल है वो अपना मेहनताना कितना ले रहा है, यानी पूंजी को अगर एक यूनिट पूंजी मैं परचेज करना चाहता हूँ तो कितने का मिलेगा, 2 रुपीज का मिलेगा, और मैं 1 रुपए का श्रम मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 100 रुपी है और आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, आप अगर पूरा का पूरा पैसा श्रम में लगा दोगे तो कितने श्रमिक ले पाओगे, 100 लेबर आप परचेज कर लोगे, परचेज क्या मतलब आप हायर कर लोगे। वही अगर आपने
इस 100 रुपए से पूंजी का कॉम्बिनेशन लिया तो पूंजी आप कितना ले पाओगे, आप पूंजी ले पाओगे 50, पूंजी 50 कैपिटल आप ले पाओगे। तो ये जो आपका लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस को दिखाता है कि एक साधन को मात्रा को आप निश्चित अमाउंट से कितना ले पा रहे हो, दूसरे संसाधन को कितना ले पा रहे हो। तो इस प्रकार सम लागत रेखा दो साधनों की, दो साधन कौन से हैं, श्रम तथा पूंजी, उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जो एक उत्पादक को एक निश्चित व्यय, निश्चित व्यय हमारा क्या है 100 रुपीज के द्वारा क्रय कर सकता है। तो यानी एक उत्पादक निश्चित साधन से दो उत्पादन के साधनों को कितनी मात्रा को परचेज कर सकता है, हायर कर सकता है, उसके एरिया को दिखाता है सम लागत रेखा या वह रेखा जिसके द्वारा निश्चित व्यय द्वारा हम दो साधनों की मात्रा का संयोग बता सके, उसे हम सम लागत रेखा कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास, अभी मैंने एग्जांपल दिया 100 रुपए है मेरे पास, मार्केट में 1 रुपए का एक लेबर है और 2 रुपए का हमारे पास कितना है, हमारे पास एक पूंजी है, एक कैपिटल है। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए नीचे मैंने लेबर रखा और ऊपर मैंने कैपिटल रखा, और मैंने क्या किया 100 लेबर मैंने खरीदा और यहाँ पर मैंने 50 पूंजी खरीदा, और इस प्रकार मेरा जो ये आपका होगा ये आईसो आपका क्या होगा, कॉस्ट लाइन कहलाती, सम लागत रेखा कहलाती। आईसो कॉस्ट कितने है 100, यानी ये 100 रुपीज से मैंने कितना श्रम तथा पूंजी खरीदा, ये जो आपका ट्रायंगल बनता है ये मेरे 100 रुपए से साधनों को व्यय करने के, साधनों को परचेज करने के बाद ये एरिया पर मैं उत्पादन कर सकता हूँ। जब अगर मेरा अमाउंट बढ़ जाए और मुझे पापा 200 रुपीज दे दे तो मेरे पास दोनों साधनों को खरीदने की पावर अब बढ़ जाएगी। अब मैं 200 लेबर परचेज कर सकता हूँ और 100 कैपिटल परचेज कर सकता हूँ, जिससे मेरा आईसो प्रोडक्ट लाइन, आईसो प्रोडक्ट या आईसो कॉस्ट लाइन जो होगी, आईसो कॉस्ट लाइन 200 के रूप में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जो ये बताती है कि अब मैं दोनों साधनों की अधिक मात्रा को हायर कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। और अगर मेरा अमाउंट 300 रुपए हो जाए तो अब मैं दोनों साधनों की और अधिक मात्रा को हायर कर सकता हूँ और मेरा जो साधन लागत एरिया है वो लगातार बढ़ जाएगा, अर्थात मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन एरिया को कर सकता हूँ, उत्पादन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार साधन लागत रेखा ऊपर नीचे की ओर शिफ्ट होती है। इट विल बी डिपेंड अपॉन आप कितना व्यय करना चाहते हैं। अगर आपका व्यय की मात्रा ज्यादा है तो साधन लागत रेखा ऊपर की ओर खिसकेगी, और अगर व्यय की मात्रा कम है तो साधन लागत नीचे की ओर खिसकेगी। देखिए तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने का तात्पर्य ये बताती है कि आप अर्थव्यवस्था में श्रम का मूल्य, लेबर का जो प्राइस है, यानी श्रम का मूल्य यानी वेज एंड कैपिटल का जो मूल्य है क्या है, इंटरेस्ट, ये आपका कांस्टेंट है, अर्थात इसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसीलिए सम लागत रेखाएं सदैव समांतर होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सम लागत रेखा की ढाल क्या रिप्रेजेंट करती है, तो याद रखना सम लागत रेखा की ढाल साधनों के मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, साधनों के मूल्य को, कि साधन क्या है। अगर ये एक दूसरे के समांतर है तो हम कहेंगे दीर्घ काल में साधनों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल आपके व्यय में परिवर्तन ही हुआ है। ठीक है, तो तीसरी चीज आप याद रखना कि हमने ये देखा आज कि साधन लागत रेखा क्या है। तो साधन लागत रेखा एक निश्चित व्यय के माध्यम द्वारा आप कितनी वस्तुओं का कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हो। अब हमारे पास बात आती है कि एक उत्पादक संतुलन में कहां पर होगा, तो वो एक उत्पादक दो कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, दो कंडीशन में ही इक्विलिब्रियम में होगा उत्पादन के संतुलन की शर्त। पहली चीज तो आप पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लीजिए क्या है, कि एक उत्पादक वहां पर संतुलन में होगा अगर मान लीजिए वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है या उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है निश्चित व्यय द्वारा, तो ये उत्पादन अधिकतमीकरण प्रॉब्लम कहलाएगा, या दूसरा उसका टारगेट हो सकता है लागत न्यूनतम
आपने देखा होगा लागत न्यूनतम सिद्धांत कहाँ कार्य करता है, ठेकेदार को ठेका मिलता कि इस रोड को आप टेंडर डालो कितने में बना पाओगे। उसने कहा कि मैं 4 करोड़ में बना पाऊंगा, 4 करोड़ में उसने टेंडर डाल दिया। अब वो उत्पादक क्या करता, उसको रोड तो दे दी गई कि 4 किलोमीटर की रोड आपको बनाना, उसने टेंडर भी डाला 4 करोड़ का। अब वो सोच रहा कि मैं लागत कम से कम लगाऊं ताकि इस 4 करोड़ रुपए से मुझे कुछ बचे। तो उत्पादक का ये टारगेट हो सकता है कि लागत कम से कम आए, या ये टारगेट हो सकता है कि दिए हुए हमारे व्यय से उत्पादन अधिक से अधिक हो जाए। अगर किसी बंदे ने 100 पेन बनाया है तो मेरा टारगेट है मैं 120 पेन क्यों ना बना। तो उत्पादक संतुलन 2 प्रकार से उसके पास ब्रेन में काम करता है। उत्पादक संतुलन की कंडीशन 2 टाइप से उसके ब्रेन में काम करती है। पहला कंडीशन ये होता है कि उत्पादन अधिकतमीकरण सिद्धांत, और दूसरा हमारा काम करता है लागत न्यूनतमीकरण सिद्धांत। 2 सिद्धांतों का काम करेंगे। और याद रखना, एक उत्पादक संतुलन में कहाँ होगा, एक उत्पादक संतुलन में वहां होगा जहां पर वास्तव में मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, आपको क्या कह सकते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर यदि किसी को वेज दिया जा रहा है, मजदूरी दी जा रही है, यानी किसी भी श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर यदि मजदूरी दी जा रही है और पूंजी को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर ब्याज दिया जा रहा है, तो ये वास्तव में इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानी जाएगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानी जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज के बराबर हो या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपके पास किसके बराबर हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू W अपॉन R। ये भी कंडीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दिखाई देगी। ठीक है, इसके उत्पादन के संतुलन की 3 शर्तें। पहली शर्त, सम लागत रेखा उत्पादन रेखा को स्पर्श करे। सम लागत रेखा द्वारा उत्पादन रेखा को स्पर्श करना चाहिए, यानी जो आईसो कॉस्ट लाइन है वो आईसो प्रोडक्शन लाइन आईपीसी को, यानी आईसो को आईपीसी को स्पर्श करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सम लागत रेखा का ढाल समुत्पाद वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है, समुत्पाद वक्र को मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जब लगेगी तभी एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा। चलिए अब हम देखते हैं, यदि उत्पादक का हमने बताया 2 टारगेट थे। पहला टारगेट उत्पादन को अधिकतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना मतलब दिए गए व्यय से वो अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है। तो मान लीजिए उसकी व्यय रेखा ये दी गई है, फैक्टर कॉस्ट लाइन दी गई है, साधन लागत रेखा दी गई है, FC दी गई है। अब इस पर अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है, किस पर, ये दिए गए व्यय पर। याद रखना, जब आपका व्यय दिया गया हो, आपके पापा ने दे दिया हो कि 1 लाख रुपए आप ले लो, लेकिन बेटा कितना उत्पादन कर सकते हो ये करके दिखाओ, तो आप कहते हो पापा मैं बहुत अच्छा उत्पादन करूंगा। तो आपको जब व्यय दिया हुआ हो, व्यय मतलब पापा ने 1 लाख रुपए दे दिए, दैट इज फिक्स, उससे आपको उत्पादन अधिकतम करना हो। और दूसरा लागत न्यूनतमीकरण, तो पहला हम देखते हैं उत्पादन अधिकतमीकरण। तो उत्पादन अधिकतमीकरण के अंतर्गत आपका पहला आईपीसी 100 दिया है, दूसरा आईपीसी आपका 200 दिया है, तीसरा आईसो प्रोडक्ट कर्व आईपीसी 300 दिया है, और चौथा आईपीसी आपका आईसो प्रोडक्ट कर्व 400 दिया है। एक उत्पादक चाह रहा है कि मैं चौथे पे चला जाऊं, लेकिन चौथा उसकी लिमिटेशन से बाहर है कि नहीं बाहर, वो उसकी लिमिटेशन से बाहर है, यानी चौथे पर उत्पादन नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिया गया व्यय, यानी व्यय रेखा, यानी फैक्टर कॉस्ट लाइन, जो ये ट्रायंगल आपका बता रही OFC, इसके ऊपर है, अर्थात इस उत्पादन प्रक्रिया में नहीं जा सकता क्योंकि जितना इस पे श्रम तथा पूंजी चाहिए उसके पास
उतना बजट नहीं है, अर्थात वो अपने बजट के अनुसार ही, जैसे 1,00,000 का बजट दिया तो 1,00,000 में उसे श्रम तथा पूंजी का कॉम्बिनेशन बनाना है, और नीचे मैंने श्रम को रखा और ऊपर मैंने कैपिटल को रखा। तो ये उस प्रोड्यूसर को कंफर्म हो गया कि मैं IC4 पे तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाऊंगा? इतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मेरे पास खरीदने की क्रय शक्ति नहीं है। अब उसके पास ऑप्शन होता है IPC 100, IPC 200, IPC 300, इन्हीं तीनों में कहीं संतुलन पे हो। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ए पॉइंट, बात करता हूँ बी पॉइंट की जो इसके साधन लागत रेखा पर स्थित है, मैं बात करता हूँ सी पॉइंट की, मैं बात करता हूँ डी पॉइंट की, ये चार पॉइंट की बात करता हूँ, और बात करता हूँ ई पॉइंट की, तो इन चार पॉइंट पर कहाँ पर इक्विलिब्रियम पे होगा एक उत्पादक, वो हमको देखना। अगर कोई उत्पादक यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लीजिए एफ है यहाँ पर करता, तो मतलब वो अपने साधनों को, अपने व्यय का ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहा, इसलिए कभी भी वो एफ पॉइंट पर नहीं होगा। अगर वो ऑप्टिमम प्रयोग कर रहा, एक मानव विवेक, एक प्रोड्यूसर हरदम अपने धन का बेस्ट यूज करेगा, तो बेस्ट यूज एफ नहीं होगा, हरदम साधन लागत रेखा के ऊपर होगा। इसलिए साधन लागत रेखा के ऊपर ही कहीं ना कहीं संतुलन होगा, या तो ए पर होगा, या तो बी पर होगा, या तो सी पर, या तो डी पर, या तो ई पर। अब ए पर वो उत्पादक संतुलन में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आइसो प्रोडक्ट कर्व की ढाल, ये ढाल है और इसके ढाल के बराबर नहीं है। हमने आपको कल भी बताया था कि ढाल का मतलब क्या होता, मार्जिनल। तो मार्जिनल जो आपके पास सीमांत, आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पर उसके साधन के मूल्य के बराबर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू वेज, तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, अर्थात उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर यदि मजदूरी दे रहा तो उत्पादक संतुलन में होगा। यहाँ पर देखिए आइसो प्रोडक्ट कर्व की ढाल आइसो कॉस्ट रेखा की ढाल के बराबर नहीं है, अर्थात जितनी उसकी सीमांत उत्पादकता है उसके बराबर मूल्य नहीं दे रहा है, अर्थात उत्पादक ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं होगा। इसी प्रकार बी पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कंडीशन पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आइसो प्रोडक्ट कर्व को ये स्पर्श ना करके काट रहा है तथा दोनों की ढाल बराबर नहीं है। इसी प्रकार सी पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहाँ पे आइसो प्रोडक्ट कर्व का ढाल इसके बराबर नहीं है, और डी पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। लेकिन ई पॉइंट उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन पूरी कर रही है, यहाँ पर आइसो प्रोडक्ट कर्व का ढाल आइसो कॉस्ट रेखा के ढाल के, सम लागत रेखा के ढाल के बराबर है तथा दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तथा ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, नतोदर है। इस प्रकार ये तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, अर्थात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर हम भुगतान कर रहे हैं मजदूरी का, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या पूंजी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर हम ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, अर्थात एक उत्पादक श्रम की L1 मात्रा तथा पूंजी की K1 मात्रा का प्रयोग करेगा, और इस प्रकार संतुलन बिंदु ई पर रहेगा, और उसका आइसो प्रोडक्ट कर IPC 300 रहेगा, जो इस साधन लागत रेखा पर उत्पादन को अधिकतम कर रहा था, ठीक, उत्पादन कितना है 300। तो इस प्रकार एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में ई पॉइंट पर रहेगा। यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डेल्टा आपका MPL अपॉन MPK अपॉन MPL इक्वल टू R अपॉन W रहेगा। नाउ दूसरा हो सकता है, जैसे आप किसी, मैंने ठेकेदार की बात किया, ठेकेदार से कहा जाता है कि आपको 2 किलोमीटर की रोड बनाना है, तो उसने कहा कि साहब मैं 4 करोड़ रुपए में बना दूंगा, टेंडर डाला, सरकार ने पास कर दिया। अब वो 2 किलोमीटर की रोड को इससे कम अमाउंट में बनाने का प्रयास करता, सपोज दैट, तो ये हम क्या कहते हैं, या आपके पापा ने कहा कि एक कंपनी से मेरी डिमांड आई है 100 पेन की, आपने कहा, आपके पापा ने कहा कि लगभग मुझे लगता है 1,00,000 रुपए से ये मुझे बना लेंगे, तो बेटा अपनी स्किल दिखाता, कहता पापा ये 100 पेन मैं 1,00,000 से कम अमाउंट में बना के दिखाऊंगा, तो ये भी एक उत्पादक का संतुलन माना जाएगा, अर्थात लाभ अधिकतमीकरण की ये भी कंडीशन पूरी कर रहा है। क्यों? लागत को कम कर दोगे तो भी लाभ अधिकतमीकरण होगा, उत्पादन को अधिक कर दोगे तो भी लाभ अधिकतमीकरण होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास एक आईपीसी दिया, वहां पर देखिए एक लागत, सम लागत वक्र से पूर्व दिया था, यहाँ पर एक आईसो प्रोडक्ट कर 100 दिया, मुझे 100 पेन बनाने हैं, आप बताइए कितने का बना पाएंगे। पहले सम लागत रेखा एक फैक्टर कॉस्ट लाइन FC है, दूसरी फैक्टर कॉस्ट लाइन F1C1 है,
तीसरी फैक्टर कॉस्ट लाइन F2C2 है, चौथी फैक्टर कॉस्ट लाइन F3C3 है, ठीक है। ये मेरे पास ये चार सम उत्पाद सम लागत रेखाएं हैं। अब मुझे उत्पादन 100 को करके देना है। पापा ने कहा कि मैंने 100,000 रुपए खर्च किया था तब मैं बना पाया था, अब मुझे अपनी स्किल दिखाना। तो याद रखिएगा कि इतना उत्पादन आईसो प्रोडक्ट कर्व के जिस बिंदु पर आईसो कॉस्ट लाइन का स्लोप बराबर होगा वही संतुलन बिंदु होगा। मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट एक नजर आ रहा ए, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक नजर आ रहा बी, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक नजर आ रहा सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक नजर आ रहा डी, जहां पर आईसो प्रोडक्ट कर्व तथा आईसो कॉस्ट लाइन यानी सम उत्पाद रेखा तथा सम उत्पादन वक्र तथा सम उत्पाद लागत रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए ढाल बराबर नहीं है ए पॉइंट पर, अतः ए पॉइंट संतुलन नहीं होगा। तथा साथ ही साथ एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं जबकि स्पर्श करना चाहिए। बी पॉइंट पर भी यही कंडीशन है, ढाल बराबर नहीं है तथा एक दूसरे को कट कर रहे हैं जबकि कट नहीं करना चाहिए। सी पॉइंट पर भी यही कंडीशन है, ढाल बराबर नहीं है तथा स्पर्श नहीं कर रहे हैं और डी पॉइंट पर नहीं। तो यानी ए बी सी डी संतुलन बिंदु नहीं होंगे, केवल ई संतुलन बिंदु होगा। अर्थात 100,000 रुपए जो आप सौ उत्पादन है वो क्या हो सकते हैं F2C2 लागत रेखा या आईसो कॉस्ट लाइन से हम प्राप्त हो सकते हैं। इस बिंदु पर सम लागत रेखा की ढाल तथा आईसो प्रोडक्ट कर्व की ढाल दोनों बराबर है तथा दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अर्थात एक श्रमिक हम लोग इतना उत्पादन IPC 100 उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक श्रमिक मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक पूंजी का प्रयोग करके हम उत्पादन इतना कर ले रहे हैं। तो ये देखिए लागत रेखा एक ये थी, इस लागत रेखा पे आप रहे या इस लागत रेखा पे रहे या इस, तो देखिए लागतों को मैंने घटा करके यहाँ पर ला दिया है जिससे अब इससे नीचे लागतें घटाई नहीं जा सकती है। परिणाम स्वरूप ई संतुलन बिंदु होगा। इससे हम कहते हैं प्रोड्यूसर का संतुलन, लागत को न्यूनतम करना, अर्थात लागत के न्यूनतम द्वारा उत्पादक अपने संतुलन को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर हमने ये डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किए। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।